चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स रिलेटेड एमसीक्यू, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ बीकॉम एंट्रेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा इस एमसीक्यू से। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन, आज उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। साझेदारी समझौते के अभाव में किस फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड। तो जब साझेदारी समझौते का अभाव होता है कि लाभ किस अनुपात में बांटा जाए, तो वहां पे लाभ बराबर बराबर सभी साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है, ए है इन कैपिटल रेशियो, बी है इन इक्वल रेशियो, सी है इन एनी ऑफ दिस टू रेशियो और डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समान अनुपात में इन इक्वल रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों के ऋण पर फर्म द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है, मतलब अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा है कि जो पार्टनर्स लोन होता है, मतलब कोई भी फर्म अगर पार्टनर से लोन लेती है तो उस पर इंटरेस्ट कितना देगी, तो वहाँ पे कितना इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। ऑप्शन है ए है 4% पर एनम, बी है 5% पर एनम, सी है 6% पर एनम, डी है 8% पर एनम। इसका सही आंसर होगा 6% पर एनम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है, इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड, मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो लाभ हानि विभाजन किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है, कैसे किया जाता है। ऑप्शन है बराबर बराबर, बी है पूंजी के अनुपात में, मतलब इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, सी है समझौते के अनुसार एज पर एग्रीमेंट, डी है नन ऑफ दिस। तो जो साझेदारी में लाभ हानि का हम विभाजन करते हैं वो समझौते के अनुसार ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पहला है समझौता एग्रीमेंट, बी है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लाभ विभाजन, सी है सीमित दायित्व लिमिटेड लाइबिलिटी और डी है दो या दो से अधिक व्यक्ति, टू आर मोर देन टू पर्सन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, सीमित दायित्व लिमिटेड लाइबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू, मतलब लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन है क्रिएट रिजर्व फंड, संचय कोष बनाने के लिए, ऑप्शन बी है शुद्ध लाभ निकालने के लिए, फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट, सी है विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या सीमित हो सकती है, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, मतलब उनकी संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो यहाँ ऑप्शन जो अवेलेबल है ए है 20, बी है 10, सी है 15, डी है 50। तो एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिक से अधिक 50 होने चाहिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा डी, 50 यानी 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा लाभ का विनियोजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ऑप्शन है ऋण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन लोन, बी है पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी है सैलरी वेतन, डी है किराया रेंट। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है, व्हेन टाइम ऑफ विड्रॉल्स आर नॉट मेंशन
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, मतलब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे टाइम ना दिया हो वहाँ पर हम कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन ए है 6.5 महीने के लिए, बी है 6 महीने के लिए, और सी है 5.5 महीने के लिए, और डी है 12 महीने के लिए। तो जब समय न दिया हो तो वहाँ पे हम 6 महीने के लिए ब्याज निकालेंगे, मतलब जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फॉर 6 मंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है। When drawings are made at the end of every month of certain amount, then interest will be calculated on total drawing for। ऑप्शन ए यहाँ दिया है 6.5 महीने के लिए, बी है 6 महीने के लिए, सी है 5.5 महीने के लिए, और डी है 1 महीने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5.5 महीने के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग इज अ, मतलब जब पार्टनरशिप फर्म में फर्म ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करती है तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। तो ऑप्शन जो दिया है, पहला है प्राप्ति गेन, बी है व्यय एक्सपेंसेस, सी है लॉस हानि, डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राप्ति गेन, क्योंकि जब पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर पैसा लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो उसमें से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, तो वो फर्म से पैसा ले रहा है, तो फर्म उस पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, तो वो फर्म के लिए एज अ इनकम माना जाएगा। यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा प्राप्ति गेन, ऑप्शन ए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।